हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर्स, कि हमें बताना है जो पार्ट्स गिवन होंगे उनमें से कि इनमें से किस पार्ट का फैक्टर एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो चार पार्ट गिवन है इसमें। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, हमारा फर्स्ट पार्ट ये है। तो ये क्या दिया गया हमें, पी ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। और हमें हमें पता है किसको करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को चेक करना है ना, तो एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट कर देंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन। अब इसको माइनस वन को इस पॉलिनोमियल में हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और अगर ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है माइनस वन पुट करने के बाद, तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस वन क्यूब माइनस वन का स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो देखिए, माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो पी ऑफ एक्स जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एक्स प्लस वन क्या है, इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना पूरा पार्ट। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, सबसे पहले हम इसको पी ऑफ एक्स के इक्वेट करते हैं। पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स की पावर फोर अब हमें इसको पॉलिनोमियल बना दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले देखेंगे फैक्टर वाले को, एक्स प्लस वन इसको जीरो से इक्वेट करेंगे क्योंकि इसको हमें चेक करना है। तो एक्स की वैल्यू होगी यहां पे माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स की वो रिप्लेस करके माइनस वन कर देंगे। तो माइनस वन की पावर फोर माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन की पावर फोर। तो माइनस वन की पावर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन। तो देखिए ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, इसमें क्या है, वन आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। जीरो आता तभी ये इसका फैक्टर होता। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स प्लस वन। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट,
तो देखिए सबसे पहले इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। पी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हमें पॉलिनोमियल पता चल गया हमें क्या है पॉलिनोमियल। अब हमें इसको फैक्टर किसको चेक करना है, एक्स प्लस 1 को चेक करना है। तो एक्स प्लस 1 को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई -1। ठीक है, अब इसको जहाँ पे पॉलिनोमियल में एक्स है वहां पर हम इसको रिप्लेस करके -1 कर देंगे, प्लस 3x। अब देखिए -1 की पावर 4 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 1, 3 1 3, ये 3 से 3 कट, 1 से 1 कट, आंसर आ गया 1। और 1 जो होता है आ गया हमारा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो यहां पर 0 नहीं आया, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 3x ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में बोला गया है, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। देखिए इसमें -1 पुट कर देते हैं, अब देखिए -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से -1 -1, ये -1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे -2 +2 ये इससे कट गया, ये हो गया 2√2, तो ये भी 0 नहीं आया है, तो ये भी क्या इसका फैक्टर नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे हम कि जो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है डिटरमाइन वेदर, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट जिसमें बोला गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है फर्स्ट पार्ट में पी ऑफ एक्स, जो कि हमारा है 2x³ + x² तो देखिए हमें करना क्या है इसमें, जो ये जी ऑफ एक्स दिया गया है हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं जो हमें जी ऑफ एक्स गिवन है उसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। जैसे जी ऑफ एक्स हमें गिवन है x+1, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो x+1 = 0, जी ऑफ एक्स जीरो कर दिया तो यहां से x की वैल्यू हो गई -1। अब यहां पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में हम x की रिप्लेस करके -1 रख देंगे। तो देखिए 2 × -1 का क्यूब है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 × 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 − 2 + 1 + 2 − 1, 2 से 2 कट हो गया, 1 से 1, आंसर क्या आ गया 0। तो अब हम लिखेंगे यस जी ऑफ एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, अब हम पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू जिसमें हमारा P ऑफ x गिवन है, x³ + 3x² + 3x + 1 और G ऑफ x है जो इसमें गिवन है x+2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जी ऑफ एक्स है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो 0 = x+2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -2। अब हम पी ऑफ एक्स यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हमको इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स के रिप्लेस करके -2 कर देंगे। तो देखिए -2, 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस का क्यूब माइनस होता है 3 × -2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये हो जाएगा 3 × 6 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए -8, 4 × 3 = 12, -6 + 1, अब जो प्लस में है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 + 1 = 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -14, आंसर आ गया -1। हमें क्या आंसर लेके आना था, अगर ये फैक्टर होता तो 0 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, नो जी ऑफ एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट, इसमें हमें पी एक्स गिवन है, पी ऑफ एक्स है जो वो गिवन है हमें x³ − 4x² + x + 6 और जो जी ऑफ एक्स है वो हमें गिवन है x − 3। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो जी ऑफ एक्स होता है वो क्या दे रखा है x − 3, तो हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, x − 3 = 0, यहां से x हो जाएगा 3, x क्या आ गया हमारा 3। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, p(3³ − 4
एक्स को रिप्लेस करके 3 हो गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, 4 9 का 36, 3 और 6 9 हो गया। पहले प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, 27 प्लस 9 36 माइनस 36, ये क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो g ऑफ x है यस इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है हमें कब, इफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मींस जो इसके जितने भी पार्ट गिवन है उन सभी का पहले से ही बताया गया है कि ये फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर तो पहले से ही बताया गया है, तो बस हमें क्या करना है, ये हमें पता ही है कि इससे वो जीरो आ जाएगा, हमें उसमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है हमें पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले से ही पता है कि वो फैक्टर है इसका, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। यहां से जो फैक्टर दे रखा है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, यहां से x की वैल्यू वन आ गई, और ये पहले से ही बोल रखा है फैक्टर है, तो जो हम ऐसे वन रखेंगे, फैक्टर का मीन्स क्या होता है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी ये इधर है पहले तो वन रख देंगे इसके, एक्स के रिप्लेस करके वन हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया वन प्लस वन टू प्लस के, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू को उधर लेके जाएंगे तो माइनस टू, तो के क्या आ गया, माइनस टू आ गया है हमारा फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें पी ऑफ एक्स है जो वो कितना गिवन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। अब इसका भी ये पहले से ही बोल रखा है कि सभी का यही फैक्टर है, कौन एक्स माइनस वन फैक्टर है ये, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, एक्स इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, पी ऑफ वन इक्वल टू और फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो के इक्वल होता है पूरी की टर्म, तो टू वन का स्क्वायर वन होता है, तो टू वन द टू प्लस के वन द के प्लस रूट टू। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब को उस तरफ ले जाओ, पहले आएगा रूट टू माइनस टू इक्वल टू के, तो k की वैल्यू ये आ गई। आपको ये भी हो सकता है इनमें से माइनस कॉमन लेके आंसर लिखा हुआ पीछे, माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट टू प्लस टू ये हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है पीछे ऐसे आंसर गिवन हो आपके एनसीईआरटी बुक में। तो ये सेकंड पार्ट था, अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। थर्ड पार्ट पी ऑफ एक्सिस में गिवन है
देखिए हम उसको इक्वेट करते हैं, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई वन। अब पी ऑफ वन पुट करते हैं, ये क्या है, क्योंकि अगर ये बोला है कि इसका फैक्टर है तो क्या होगा, ये पी ऑफ वन जीरो हो जाएगा, के इंटू वन वन माइनस रूट टू प्लस वन, के इधर रखेंगे बाकी सबको उधर ले जाएंगे क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है, रूट टू इधर आएगा तो प्लस में, वन इधर आएगा तो माइनस में, के की वैल्यू क्या हो गई रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो वही x माइनस वन इक्वल टू जीरो दे रखा है हमें क्योंकि ये फैक्टर है, तो x इक्वल टू वन आ गया। आप p ऑफ वन पुट करेंगे तो k x स्क्वायर के रिप्लेस करके वन आ गया, ये जीरो के इक्वल है क्योंकि ये फैक्टर बोला गया है, तो k के साथ वन मल्टीप्लाई k हो गया, माइनस थ्री प्लस k, ये दोनों जो k हैं ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जीरो इक्वल टू टू के माइनस थ्री, पहले थ्री को इधर लेके आएंगे तो थ्री प्लस में हो जाएगा, थ्री इक्वल टू टू के, k की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाय टू, तो इस क्वेश्चन में भी हमारी k की वैल्यू आ गई है थ्री बाय टू, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में अगर डेसिमल में करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लास नाइन्थ में है। इसके अलावा इससे पहले अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पॉलीनोमियल उसकी टाइप पता चलेंगे, ये सब पता चलेगा। तो ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अटपटी लगे। तो थैंक यू, लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। थैंक यू।